नमस्कार दोस्तों, तुसी देख रहे हो जगबाणी वैब पोर्टल। लोकसभा चोणां ते साडे खास प्रोग्राम सीट दा समीकरण विच तुहाडा स्वागत है। अज असीं गल करांगे होशियारपुर लोकसभा सीट दी। ए सीट इतिहासिक तौर ते कांग्रेस दे प्रभाव वाली सीट रही है। हुण तक होईआं 14 लोकसभा चोणां विचों कांग्रेस इस सीट ते 8 वार जित्तू रही है, जबकि 2 वार भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती है। एक बार अकाली दल, एक बार बहुजन समाज पार्टी, एक बार भारतीय लोक दल अते एक बार जनसंघ ने इस सीट पर कब्जा किया है। कांग्रेस ने इन्हां लोकसभा चोणां दौरान होशियारपुर तो अपनी मौजूदा लोकसभा मैंबर संतोष चौधरी की टिकट कट के उन्हां दी थां महेंद्र सिंह केपी नूं मैदान में उतारिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वालों विजय सांपला उन्हां दा मुकाबला कर रहे हैं। इस सीट तो कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह केपी नूं सियासत विरासत के तौर पर मिली है। उन्हां दे पिता दर्शन सिंह केपी सीनियर कांग्रेसी रहे हैं। महेंद्र सिंह केपी नूं 1985 जलंधर दखनी सीट तो पहली बार चोन लड़न का मौका मिलिया और वह चोन जित गए। 1992 एक बार फिर वह विधानसभा की चोन लड़े और उन्होंने मंत्री बनाया गया। 1997 एक बार फिर इस सीट तो चोन लड़े पर चोन हार गए। 2002 एक बार फिर इस सीट तो सफल रहे और कैप्टन सरकार विच मंत्री बने। 2007 इस सीट तो एक बार फिर हार गए। 2009 पार्टी ने उन्होंने जलंधर तो लोकसभा उम्मीदवार बनाया और वह चोन जित गए। इस बार पार्टी ने उन्होंने होशियारपुर लोकसभा सीट तो मैदान में उतारिया है। इस सीट तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय सांपला जमीनी पद्धर तो अपनी सियासत शुरू करने वाले अगुआ विचों हन। सांपला ने अपने सियासी जीवन की शुरुआत जलंधर कैंट मंडल के जनरल सकत्तर वजों 1999 तो शुरू की। 2001 उन्होंने पंजाब भाजपा एससी मोर्चा का उप प्रधान बनाया गया। 2003 भाजपा के उप प्रधान बने। इस दौरान पंजाब अकाली भाजपा सरकार आने से उन्होंने पंजाब खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। 2012 दी विधानसभा चोणों दौरान वह टिकट की दौड़ में सन पर उन्होंने टिकट नहीं मिल सकी। पार्टी ने इन चोणों दौरान उन्होंने होशियारपुर तो चोन लड़न का मौका दिता है। इस तो पहला कि असी इस सीट को लेकर कोई अंदाजा लगाईए, साडे लई 2009 का नतीजा जानना बेहद जरूरी है। 2009 दी लोकसभा चोणों दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष चौधरी ने करीब 358,000 वोटा हासिल करके भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश नूं करीबी मुकाबले 366 वोटां नाल हरा दिता सी। ये तो सी 2009 दीआं लोकसभा चोणां दा नतीजा। आओ हुण झात पाने आ 2012 दीआं विधानसभा चोणां ते। 2012 दीआं विधानसभा चोणां दौरान अकाली भाजपा ने इस सीट ते जबरदस्त वापसी कीती अते इस सीट अधीनां दीआं 9 विधानसभा सीटां विचों 6 विधानसभा सीटां ते जित दर्ज करदे होए 434,000 वोट हासिल कर ले। ये वोट 2009 विच अकाली भाजपा वालों हासिल किए गए वोटां नालों करीब 74,000 वोटां ज़्यादा हन। उधर दूजे पासे कांग्रेस ने हालांकि इस दौरान सिर्फ 3 विधानसभा सीटा ते जित दर्ज की, पर कांग्रेस 371,000 वोट हासिल करने विच सफल रही, जो कि 2009 विच हासिल की गई वोटों नालों 12,000 वोटा वध हन। इन्हां लोकसभा चोणों दौरान इस सीट ते करीब 14,48,000 वोटर हैं। इन्हां विचों 38,000 वोटर अजिहे हैं जिन्हां की उम्र 18 तो लैके 19 साल के दरम्यान है। पिछले 5 साल विच इस सीट ते करीब 149,000 वोटर नवे जुड़े हैं। इन्हां चोणों दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह केपी केंद्र सरकार दीआं प्राप्तियां दे नाते लोकां तों वोट मंग रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय सांपला नवें चेहरे नूं मौका देण अते नरेंद्र मोदी नूं प्रधानमंत्री बनाउण दे नाते लोकां विच जा रहे हैं। महेंद्र सिंह केपी का जलंधर विच बतौर लोकसभा उम्मीदवार रिकॉर्ड चंगा ना होना उन्हां दे खिलाफ जाण वाली गल है। इस तों अलावा इस सीट ते मौजूदा लोकसभा मैंबर संतोष चौधरी वालों की जा रही खिलाफत का भी महेंद्र सिंह केपी नूं नुकसान हो सकता है। उधर दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय सांपला नूं चोन लड़न का तजर्बा नहीं है, यह गल उन्हां दे खिलाफ जाण वाली है। इस सीट ते आखिरी नतीजा की हुंदा है यह तो फिलहाल 16 मई नूं पता लगेगा, पर जिस तरीके अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी ने 2009 तो लैके 2012 तक इस सीट ते खुद नूं मजबूत कीता है, उसनूं देख के कहा जा सकता है कि पंजाब विच 7 साल की सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद कांग्रेस लई इस सीट ते लड़ाई इन्नी सौखी नहीं है।